महोबा जनपद में अन्नदाताओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में संचालित सरकारी योजनाओं से जनपद के किसानों का सीधा संपर्क न जुड़ने के चलते किसान वर्ग जिले से पलायन करने को मजबूर है। दिनों दिन बढ़ती अन्न प्रथा से जनपद के किसान पहले से ही खासे परेशान थे। वहीं बिना मौसम बरसात और पड़ने वाले पाले की वजह से बची कुछी फसल भी बर्बादी की कगार पर जा पहुंची। जनपद के किसानों को बिन मौसम बारिश होने के चलते खास नुकसान उठाना पड़ रहा है। बारिश के कारण बोई गई 50% से अधिक फसल नष्ट होने के कगार पर जा पहुंची। रात में अन्ना से फसल की रखवाली करने के बावजूद भी अन्नदाताओं पर मौसम की मार पड़ती दिखाई दे रही है। नष्ट होने वाली फसलों पर ना तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई जायजा लिया गया और ना ही किसानों को हाल फिलहाल कोई आश्वासन सरकारी अफसरानों द्वारा दिया जा रहा है। सरकारी हीला हवाले को लेकर अन्नदाताओं के बीच खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। समय बाबू जी काफी नुकसान है, पिसिया में, राई में, मटर में, चना में, सब बहुत आधे से ज्यादा नुकसान हो चुको। कितने बीघे में फसल बोई थी आप? 15 बीघा में बीबी साहब। तो अब आप कितना अंदाजा लगाते हैं कितनी फसल आपको मिलेगी? अब आधी मिले, मतलब 15 में। अच्छा, तो ये ओस जब पड़ती है तो ये करती क्या है, फसल क्यों इतनी कम होती है? भाई साहब नष्ट कर दे थे ऊखा। हाँ। कीड़ा भी लग जाते थे ऊमे। हाँ। और पाला पड़ जा, सुबह पेड़ में दम नहीं रहा। अच्छा ये बताइए कोई अधिकारी आया अभी तक? अभी तक तो साहब यहाँ नहीं आओ को। अब गांव में आउ थो बैठ के को के घर में बात कर लेता हूँ, तानी कह सकत, मगर सामने खुले में नहीं आ। कोई लेखपाल ने आगे निरीक्षण किया अभी तक फसल का आपके? अभी तक तो नहीं साहब, यहाँ लेखपाल ने कुछ नहीं करो ना देखो। और ये टपरिया क्यों बना रखे हैं खेत में? टपरिया मतलब ऐसा ही रहा था, मतलब 24 घंटा। तो इधर रहने की जरूरत क्यों है, काय के लिए? जानवर साहब बहुत फिर रहे हैं, छुट्टा करे आदमी भाई लोग हैं, कोई सुनत भी नहीं है गरीब आदमी को। जो मटर है, चना है, इसमें फूल है आते हैं तो भी मुरझा जाते हैं, और बहुत सारी नुकसान है कि पेड़ नीचे गिर गए, जितनी ज़्यादा बरसात हो गई कि बहुत नुकसान है। हम कहाँ तक इसे बताते हैं, हर चीज़ एक एक करके एक एक पेड़ में देख रहे हैं। मूल भाव बीज लाओ है हमने, मूल खातु लाओ तो हम देखो, हमने एक एक करके डालो है, वो फसल सबरी नष्ट हो गई है। तो अब कोई सरकार से हमें कोई लाभन भी नहीं मिलती आज लग नहीं, पहले घाल हमें मिलती रही अखिलेश के ज़माने में, लेकिन आज के ज़माने में कोई हमें फ़ायदा नहीं मिल रही है। अब परेशानी झेलते रात दिन, हार में डरे हैं, और जी रात में रुझवा हैं, सुबह लहटे हैं तो रात भर हम उन्हें रखाते हैं, नीचे मढ़ैया बना है, नीचे धरती में डरे, सांप बिच्छू भी चढ़ते ऊपर, लेकिन फिर भी हम सबर करें कि चल हमें भगवान और दे है आगे चल के, लेकिन कोई हमें फर्क नहीं मिलता सरकार द्वारा।